Hi everyone, this is Vishu Pratap Mal and I welcome you in Nagina Farms. मैंने जो अपनी ट्रेनिंग है मशरूम फार्मिंग की वो पंतनगर विश्वविद्यालय से कर रखी है, तो जो भी ये डेटा है मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो पंतनगर विश्वविद्यालय का ही है जो डेटा मेरे पास है अवेलेबल. सो मशरूम उगाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है उसका सबस्ट्रेट प्रिपेयर करना. सबस्ट्रेट यानी हम कह लें जैसे हम फसलों के लिए मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं, खेतों की तैयारी करते हैं, वैसे ही सबस्ट्रेट यानी मशरूम जिस पे उगेगा, मशरूम के लिए जो मिट्टी का काम करता है उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट. तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट तैयार किया जाता है वो किया जाता है भूसे का. भूसा यानी गेहूँ कटने के बाद जो उसका वेस्ट मटीरियल बचता है, ठीक है, उससे प्रिपेयर होता है भूसा. वो भूसे का इस्तेमाल हम इसमें करते हैं. बाकी जगह बहुत सारी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल हम शुगर केन की पत्तियां जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसका अलग अलग रेशियो होता है, किसमें हम एक बैलेंस्ड रेशियो में हम उन्हें प्रिपेयर करना पड़ता है. तो इससे सबसे अच्छा रहेगा आपका जो गेहूँ का भूसा होता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा. एंड डेफिनेटली अगर आप छोटे स्केल पर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप YouTube वगैरह से देख के आप छोटे स्केल पे सीख सकते हैं. धीरे धीरे जब आप सीखते जाएं उसके बाद अगर आप इसको बड़ा स्केल पे करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, दैट्स फाइन. और एक चीज़ मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसे मशरूम फार्मिंग को एक बड़े स्केल पे करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप ट्रेनिंग ले लें, कहीं से इन पर्सन जाके ट्रेनिंग आप पूरी कर लें, उसके बाद ही इस बिज़नेस में हाथ आजमाएं. मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जानकारी है मेरे पास मशरूम फार्मिंग से रिलेटेड उसको मैं आपसे शेयर कर सकूं. जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा मशरूम फार्मिंग करने के दौरान उसे मैं आपके साथ शेयर करूं. आइए शुरू करते हैं. जो हमारी सबसे पहले रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल में वो है गेहूं का भूसा, ठीक है. मिनिमम हमें 3 क्विंटल गेहूं का भूसा चाहिए होगा मिनिमम, ठीक है, क्योंकि इसमें जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है, आप देखेंगे कि भूसा जब हम एक जगह इकट्ठा कर देते हैं, उसे गीला करते हैं, तो वो डिकम्पोज होना शुरू होता है. तो उसमें जो हीट बनती है हीट प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ताकि वो ही भूसा जो हमारा है, जो सबस्ट्रेट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो परफेक्टली बन सके, इसके लिए कम से कम हमें 3 क्विंटल भूसा चाहिए ही चाहिए. ज़्यादा अगर करना चाहते हैं आप 5 क्विंटल 10 क्विंटल पे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 3 क्विंटल के आसपास हमें चाहिए होगा. तो इसके लिए हमें भूसा चाहिए 3 क्विंटल. दूसरा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट CAN 9 kg चाहिए होगा. यूरिया 3.6 kg. म्यूरिएट ऑफ पोटास जिसे हम पोटेशियम क्लोराइड भी कहते हैं वो 3 kg चाहिए होगा. सुपर फॉस्फेट 2.5 kg. वीट ब्रान 30 kg. वीट ब्रान यानी चोकर जो होता है वो उसकी बात कर रहे हैं. जिप्सम 60 kg चाहिए होता है. फ्यूरेडॉन 50 ग्राम चाहिए. लिंडेन 250 ग्राम. मोलासेस 5 kg. और फॉर्मेलिन की एक छोटी सी बॉटल, ये हमें रिक्वायरमेंट होगी प्रिपेयर करने के लिए ये बटन मशरूम का जो सबस्ट्रेट हम प्रिपेयर करना चाहते हैं. अब हमारा पहला काम होता है भूसे को गीला करना. भूसे को हम गीला इकट्ठा करते हैं एक जगह और उसे गीला करना शुरू करते हैं. लगभग 2-3 दिन तक इसे हम पूरी तरह से गीला करते हैं, ठीक है, और इतना गीला करते हैं कि कहीं पे भी उसमें सूखा भूसा ना रह जाए, पूरी तरह से वो गीला हो जाए. और इस पूरी तरह से गीला करने के बाद हम जो एक्सेस वाटर है इसमें उसे निकलने के लिए छोड़ देंगे. अब आता है जो पूरी तरह से भूसा गीला जो हो चुका है और हमारे पास एक्सेस वाटर रिमूव हो गया है, अब इस दिन को हम कहेंगे -2 डे, ठीक है. अब अगला दिन जो है इस दिन हम पूरा एक्सेस वाटर निकाल देंगे -2 डे पे. अगला जो दिन आएगा -1 डे, इस पे हम प्रिपेयर करेंगे मिक्सचर 1. मिक्सचर 1 में हम लेंगे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो 9 kg था उसका हम 6 kg इस्तेमाल करेंगे मिक्सचर 1 में. यूरिया 2.4 kg इस्तेमाल करेंगे. पोटेशियम क्लोराइड पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेंगे 3 kg. सुपर फॉस्फेट जो 2.5 kg था हमारा उसका पूरा इस्तेमाल कर लेंगे हम. वीट ब्रांच चोकर है जो गायों को खिलाया जाता है उसका 15 kg हम हिस्सा इस्तेमाल कर लेंगे और इन सबको मिक्स करके हम रख देंगे इकट्ठा. ये जिस दिन हम मिक्स कर रहे हैं इसे हम कहेंगे -1 डे. अब
उसका जो अगला दिन है जीरो डे पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने मिक्सचर प्रिपेयर किया है, मिक्सचर जो प्रिपेयर के मिक्सचर वन जो है, इसको ये जो हमने भूसा जो हमने गीला करके रखा था, ठीक है, माइनस टू डे पे, और आज हम इन दोनों को ज़ीरो डे पे मिक्स करेंगे, भूसा और मिक्सचर वन। अब ये जब पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे, थॉरोली हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसका हम एक ढेर बनाएंगे, और वो ढेर लगभग जो चौड़ाई होगी उसकी वो 5 फीट के आसपास, और जो इसकी ऊंचाई होगी वो भी 5 फीट के आसपास, एक ट्रायंगुलर, ठीक है, ट्रायंगुलर हम एक शेप में बनाएंगे इसे, और इसे लगभग 5 दिनों के लिए छोड़ देंगे। अब आता है आपका फिफ्थ डे। फिफ्थ डे पे हम प्रिपेयर करेंगे मिक्सचर सेकंड। मिक्सचर सेकंड में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, जैसे कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो 3 kg रह गया था उसका इस्तेमाल करेंगे, यूरिया जो 1.2 kg बचा था उसका इस्तेमाल करेंगे, और जो चोकर हमारे पास बचा था 15 kg उसका। इन तीनों को हम मिक्सचर जो है प्रिपेयर कर लेंगे फिफ्थ डे पे, ठीक है। और अब अगला दिन आएगा सिक्स्थ डे। सिक्स्थ डे पे हम करते हैं पहली पलटाई, ये जो हमने हीप बना रखा है ढेर का, वो बना रखा था भूसे का, उसकी हम पहली पलटाई करेंगे, और ये जो मिक्सचर सेकंड है इसको हम इसी दिन सिक्स्थ डे पे ही मिक्स करेंगे, इसको थॉरोली हम मिक्स कर देंगे। और इसको मिक्स करने के बाद जो जैसा हमने हीप बना रखा था ना, 5 फीट चौड़ा, 5 फीट ऊंचा और एक लंबा में, ठीक है, इस हीप को फिर से हम प्रिपेयर करके छोड़ देते हैं सिक्स्थ डे पे। अब अगली जो पलटाई होगी इसकी 10th day पे होगी, सेकंड टर्निंग। और 10th day पे जो सेकंड टर्निंग है, ठीक है, जो सेकंड टर्निंग है इसमें हम ऐड करेंगे फ्यूरोडॉन एंड मोलासेस, अगर आपके पास मोलासेस अवेलेबल हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फ्यूरोडॉन आप ऐड कर दीजिए उसमें। ये 10th day की बात है। 13th day पे होगी थर्ड टर्निंग आपकी, और जो हमारे पास 30 kg जिप्सम था ना, जो उसका हम इस्तेमाल कर लेंगे, 30 kg जो जिप्सम है उसका हम क्या कर लेंगे, इस्तेमाल कर लेंगे। फिर आता है आपका 16th day पे फोर्थ टर्निंग की जाएगी, 19th day पे फिफ्थ, 22nd day पे सिक्स्थ, 7th टर्निंग हो जाएगी आपकी 25वें दिन, और इस दिन हम लिंडेन इसमें ऐड कर देंगे, जो लिंडेन हमारे पास बचा था ये 250 ग्राम का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 28वें दिन 8th टर्निंग होगी, 8वीं पलटाई जो होगी वो 28वें दिन होगी, और उस दिन हम इसमें चेक कर लेंगे अमोनिया, ठीक है, अमोनिया, और इसमें वाटर चेक कर लेंगे कि मॉइस्चर इसमें कितना अवेलेबल है। मॉइस्चर चेक करने का इन द सेंस कि हम जब उसे उठा के ना ऐसे हाथ में मुट्ठी बांधेंगे एक, ठीक है, तो उसमें से पानी नहीं टपकना चाहिए, और जब हम उसको फेंक दें, भूसे को ऐसे फेंकें, तो वो बिखर के गिरना चाहिए और हमारे हाथों में जो है वो हल्का हल्का सा पानी लग जाना चाहिए। तो ये जो है परफेक्ट, हम कहते हैं कि आपका सबस्ट्रेट तैयार हो गया है। और दूसरी चीज़ कि इसमें अमोनिया की जो स्मेल है वो नहीं आनी चाहिए, अमोनिया की स्मेल आती है यूरिया की वजह से, तो अब देख लेंगे हम कि इसमें क्या यूरिया जैसी स्मेल आ रही है, क्या अमोनिया जैसी स्मेल आ रही है क्या। उसके बाद हमारा एक काम रहेगा कि हम पीएच स्केल से हम इसकी पीएच मेज़रमेंट कर लेंगे। पीएच मेज़रमेंट करने का तरीका है कि हम थोड़ा सा ये सबस्ट्रेट जो है उठाएंगे, ठीक है, एक ग्लास में, और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के उसको हम मिक्स करेंगे, भूसा जो है हमारे पास उसको, और उसके बाद हम उसमें पीएच स्केल जो है होती है हमारे पास उसको डिप करेंगे। अगर उसका जो पीएच है वो अगर 7 के आसपास आता है देन इट इज़ परफेक्टली फाइन, आपका जो सबस्ट्रेट बना है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमारी अब जो मिट्टी है जिसमें हम मशरूम उगाएंगे वो अच्छे से प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमारा काम रहेगा अगला इसमें बिजाई करने का, ठीक है। तो जो मशरूम के बटन मशरूम के जो बीज होते हैं या फिर किसी भी मशरूम के जो बीज होते हैं ना, उनको हम कहते हैं स्पॉन, ठीक है। अब स्पॉन का जो ऑर्डर है वो हम जब ये तैयारी शुरू कर रहे हैं सबस्ट्रेट बनाने की, ये भूसा का जो
है उसको हम बनाने की जब शुरुआत कर रहे हैं तभी हम इसको ऑर्डर दे दें कहीं पे, कि हमें जब हमारा जब ये चीज़ तैयार बन के तैयार हो, जो हमारा सब्सट्रेट बन के तैयार हो, तो हमारे पास बिजाई करने में देरी ना हो, इसलिए हम पहले ही ऑर्डर लगा देते हैं। ठीक है, अब जब ये सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाती हैं तो हम इसकी बिजाई करते हैं। बिजाई मतलब स्पॉन जो है हम इसमें मिक्स करेंगे। स्पॉन मिक्स करने का क्या मतलब है, स्पॉन जो होते हैं वो बीज होते हैं, हमने जाना कि मशरूम के ये बीज हैं, और ये जो होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं गेहूं के जो दाने होते हैं उस पे ये लगे होते हैं, और इन फॉर्म इसी फॉर्म में हमें मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम थॉरोली मिक्स करना होगा हमें। हम क्या करें कर सकते हैं, या तो हम पूरा का पूरा जो है ये भूसा हमारा जो बन के तैयार हुआ है रेडी हुआ है उसे हम अच्छे से बिछा दें। ठीक है, उसके ऊपर हम इसको सब ये जो स्पॉन है उसको छिड़क लें, और उसके बाद हाथों से अच्छी तरह से इसे मिला दें कि यूनिफॉर्म हो जाए। जो भी ये गेहूं के दो छोटे छोटे दाने हैं जिन पे स्पॉन है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए गेहूँ। ठीक है, ऐसा होने के बाद अब हम इसे काम करते हैं कि इसकी जो है पॉलीथीन में, इसके लिए इसे अलग से पन्नी आती है, उसमें हम इसको लगभग 10 केजी के आसपास भर के, ठीक है, उसके बाद हम साइड से होल कर देते हैं, साइड से होल कर देते हैं ताकि इसमें जो एयर का मतलब जो एयर इस थ्रू पास हो सके। ठीक है, और इसे हम भर के इसमें छेद करके हम इसे रख देते हैं, किसी अंधेरे कमरे में रखना होगा। अंधेरा कमरा हमें चाहिए क्योंकि हमें फंगस को डेवलप करने के लिए, जैसे हम माइसीलियम कहते हैं, ठीक है, उसे रन कराने के लिए हमें अंधेरा कमरा चाहिए होगा, ह्यूमिडिटी चाहिए होगी, दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, तीसरा है आपका अंधेरा। ठीक है, इन चीज़ों की जब रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब ये माइसीलियम रन करता है। माइसीलियम रन करता है लगभग, इसमें जो टाइम लगेगा वो 10 से 15 दिन लगेंगे। 15 दिनों बाद हम करेंगे इसकी केसिंग। केसिंग का मतलब होता है जो ये भूसे का जो हमने बना कर गठरी रखी थी, अब इस पे काम है हमारा एक 3 से 4 इंच की एक लेयर देना। वो लेयर किस चीज़ की होती है, वो होती है गोबर की, सड़ी गोबर की जो खाद होती है उसका, और गार्डन का जो किसी मतलब मिट्टी, ठीक है, किसी गार्डन की किसी बागीचे की मिट्टी हम लेते हैं, और उन दोनों को 3:1 के रेशियो में लेके 3 हिस्सा जो होगा वो सड़ी गोबर की खाद होगी, 1 हिस्सा जो होगा वो किसी बागीचे की मिट्टी होगी। ठीक है, जैसे हम कह रहे हैं कि 1 क्विंटल अगर हमने कंपोस्ट तैयार किया है तो 20 केजी केसिंग सॉइल चाहिए होगी, मतलब अगर हमने 3 क्विंटल बनाया है तो लगभग हमें 60 केजी केसिंग सॉइल चाहिए होगी। अब इन 60 केजी में हम कितना डालेंगे, तो 3 हिस्सा काउडन कंपोस्ट डालेंगे, मतलब 45 केजी के आसपास हमें काउडन का गोबर चाहिए होगा, और 15 केजी जो चाहिए होगा वो किसी गार्डन बागीचे की मिट्टी चाहिए होगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। थॉरोली मिक्स करने के बाद, ताकि ये जो मिट्टी है और ये काउडंग है ये यूनिफॉर्म हो जाए अपने में, ठीक है, जो भी प्लास्टिक है, ग्रास है, घास वगैरह जो भी है इनको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसमें एक हम मिक्सचर प्रिपेयर करेंगे, जैसे हम वो सीमेंट के जब घर जब बनते हैं ना सीमेंट के लिए, तो उसमें हम अच्छे से मिक्स करने के लिए उसमें हम पानी मिलाते हैं, पानी मिला के सीमेंट में ऐसे मसाला तैयार किया जाता है, वैसे ही हम करेंगे इसके साथ। इसमें हम करेंगे वो 1 लीटर पानी लेंगे और उसमें 40 ml फॉर्मेलिन इसमें हम ऐड करेंगे, मतलब 4% सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे 1 लीटर पानी के साथ 40 ml फॉर्मेलिन। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 60 केजी के बनाने के लिए, 60 केजी के लगभग हमें इसमें चाहिए होगा 10 लीटर के आसपास। ठीक है, 10 लीटर के आसपास पानी अगर रहे तो हो जाएगा हमारा, मतलब 10 लीटर वाटर ले लेंगे हम, तो 400 ml का फॉर्मेलिन हमें उसमें डालना पड़ेगा। 400 ml फॉर्मेलिन और 10 लीटर पानी, ये 60 केजी केसिंग सॉइल के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। उसे हम
मिला के और उसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा काम रहेगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कवर करेंगे पॉलीथीन से। एक हम छोटा सा हीप बनाएंगे, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, और उसे हम पॉलीथीन से ढक देंगे और साइड में मिट्टी, गीली मिट्टी से हम उसे ढक देंगे ताकि जो फॉर्मेलिन है उसमें से बाहर ना निकल जाए, स्केप ना हो जाए, ठीक है। हम ईंट भी रख सकते हैं नीचे ज़मीन पे, ठीक है। पहले हमने हीप बनाया, फिर पॉलीथीन से कवर किया और साइड साइड में हमने ईंट वगैरह रख दिए ताकि इसमें से फॉर्मेलिन नीचे से निकल ना जाए। तो वो हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे हम छोड़ देंगे 48 से 72 घंटे तक फॉर्मेलिन को, ठीक है। फॉर्मेलिन को हम 48 से 72 घंटे तक छोड़ देंगे और फिर अगली बार जब हम उसे ओपन करेंगे तो हम उसमें ये चेक करेंगे कि फॉर्मेलिन की जो उसमें गंध आ रही थी वो बची है या फिर ख़त्म हो गई है। अगर वो ख़त्म हो जाएगी तो, अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा खोल के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि जो फॉर्मेलिन की गंध है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद हम केसिंग करना शुरू करेंगे। 15 दिन के बाद लगभग माइसिलियम रन हो चुका होगा और अब हम करेंगे उसकी केसिंग। तो केसिंग जो है वो 3 से 4 इंच की होनी चाहिए, ठीक है। इस मिट्टी को फिर अगेन हम भुरभुरा कर लेंगे और फिर हम केसिंग करना शुरू करेंगे। केसिंग करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन बाद इसमें से निकलना शुरू होते हैं मशरूम, ठीक है। तो मशरूम निकलने के पहले, ठीक है, हमें एक काम करना होगा, इसमें प्रॉपर केयर करनी पड़ती है कि इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा ना बढ़े, दूसरा इसमें ह्यूमिडिटी जो है वो मेंटेन रहे, ऊपर जो केसिंग की लेयर है वो ज़्यादा गीली ना हो लेकिन ज़्यादा सूखने भी ना पाए। इस फॉर्म में हम इसे रखते हैं और फिर आप देखेंगे कि 10-15 दिनों बाद मशरूम अंदर से निकलना शुरू हो चुके हैं और आप उसे हार्वेस्ट कर सकते हैं जब ये प्रॉपर साइज में आ जाए। तो अब इसको हार्वेस्ट करने का तरीका है, आप इसे चक्कू वगैरह से ना काटें, आप इसको ऊपर से पकड़ें जो इसकी हेड होती है, ठीक है, बॉल होती है जो इसकी, और इसे ट्विस्ट करके तोड़ना होता है, तो वैसा करके आप तोड़ सकते हैं। सारी चीज़ों को इसी वीडियो में बता पाना काफ़ी मुश्किल है, तो अब हम शुरू कुछ दिनों में करेंगे अपने फार्म पे ही मशरूम फार्मिंग। तो डेली अपडेट्स जो हैं हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सो थैंक यू।